दोस्तों जब आप जी फंड एप्लीकेशन से फोन इमोजी को अप्लाई करते हैं और आप लोग मेथड वन को चूज़ करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको लॉकेट या भी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है और आपका फोन इमोजी अप्लाई नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्यों आती है, आप लोग कैसे अपने फोन में फोन इमोजी को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपने फोन में फोन इमोजी को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को जरूर से पूरा देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जी फंड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, फिर दोस्तों आपको जी फंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों, अगर आप जी फंड एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम इसे प्ले स्टोर से ओपन करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, आपको एग्री पर टैप कर देना है, फिर उसे आपको इसे एक बार रिफ्रेश कर लेना है। इसे दोस्तों मैं आपको अपने फोन में आयुष इमोजी को अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैं पे नीचे आऊँगा, जैसे मैं पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे थर्ड नंबर पर आयुष इमोजी मैं इस पर टैप करूँगा, फिर उसे मैं यहाँ पे डाउन वाले बटन में टैप करके ऐसे यहाँ से डाउन कर लूँगा। दोस्तों ये हो गया डाउनलोड, फिर मैं अप्लाई बटन में टैप करूँगा। आप जैसे अप्लाई वाले बटन में टैप करते हैं तो फिर आपके सामने तीन मेथड शो होते हैं, मेथड वन में स्टैंडर्ड है, मेथड टू में फाइल मैनेजर है, मेथड थ्री में एंड्रॉइड 11 प्लस है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मेथड वन पे चूज करते हैं, जैसे मैं इस पर टैप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखकर आता है यू नीड टू डाउनलोड रिफंड प्लगइन। जैसे आप ओके पे टैप करते हैं तो डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, फिर उस आपके सामने लॉकेट या फिर शीज़ो की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपके फोन में फोन इमोजी अपलाई मिले कि अप्लाई नहीं हो पाता, तो वैसे मैं इसे कैंसिल कर लूँगा। ये प्रॉब्लम दोस्तों उन्हीं डिवाइस में आती है जिन डिवाइस में एंड्रॉइड 12 या फिर एंड्रॉइड 13 या फिर एंड्रॉइड 14 है। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 12 या एंड्रॉइड 13 या फिर एंड्रॉइड 14 है तो फिर आपके फोन में प्रॉब्लम आएगी और आपके फोन में फोन इमोजी अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अप्लाई बटन में टाइप करना है, आपको यहाँ से मेथड टू जो फाइल मैनेजर आपको उसको चूज करना है। अगर आप यहाँ पे मेथड वन स्टैंडर्ड को चूज करेंगे तो फिर आपके फोन में लॉकेट या फिर शिज़ुका की प्रॉब्लम आएगी और आपके फोन में फोन इमोजी अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेथड टू फाइल मैनेजर आपको उसको चूज करना है। आप चाहे तो मेथड थ्री से भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मेथड थ्री में भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ से मेथड टू फाइल मैनेजर आपको इसी से अप्लाई करना है। आपको मेथड टू फाइल मैनेजर आपको उस पर टाइप करना है। जैसे इस पर टैप करेंगे आपके सामने आपको कुछ ऐसे अंडे पेज आएगा, आपको ऐसे अनइंस्टॉल अपडेट पे टैप करके आपको फाइल मैनेजर को ऐसे अनइंस्टॉल कर देना है। फिर आपको जो फाइल मैनेजर आपको इंस्टॉल करने को बोलेगा आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। आपसे जो भी परमिशन मांगता है आपको परमिशन अलाउ कर देना है। मैं आपको इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे फोन में एंड्रॉइड 11 है और मेरे फोन में वीवो का फाइल मैनेजर है, आपके फोन में गूगल फाइल मैनेजर होता है और आपके जो फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन होता है वो है होता है एंड्रॉइड 12 या फिर एंड्रॉइड 13 होता है फिर एंड्रॉइड 14 होता है। इसलिए आपको इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। आपसे जो भी परमिशन मांगता है वो सारी परमिशन ऐसे अलाउ कर देना है। फिर उसको आपको यहाँ पे इस पर टाइप करना है, जैसे इस पर टाइप करेंगे फिर उसको आपको फाइल मैनेजर आपको उस पर टाइप करना है, फिर उससे आपके फोन का जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। फिर उससे आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे टाइप करना है, फिर उससे आपको सेटिंग्स आपको उस पर टाइप करना है, फिर उससे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल आपको इसे इनेबल कर देना है। फिर उससे आपको पैक करना है, रिफंड एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, फिर उससे यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स आपको उस पर टाइप करना है, फिर उससे आपके फोन का जो थीम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। फिर उससे आपको फॉन्ट्स आपको उस पर टाइप करना है, फिर उससे आपको इस पर टाइप करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको फ्री फॉन्ट्स। दोस्तों जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री फॉन्ट आपके सामने जो फ्री फॉन्ट है आपके सामने आ जाएंगे, आप किसी को भी यहाँ पे फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ स्नो पे, फिर ऐसे डाउनलोड वाले बटन पे टैप करूँगा, फिर मैं ऐसे डाउनलोड नाउ पे टैप करूँगा तो मेरे फोन में हो जाएगा डाउनलोड। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन में ये हो गया डाउनलोड, फिर मैं अपने फोन की होम स्क्रीन में आऊँगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो जी फंड यहाँ पे जो थीम एप्लीकेशन है आपको इसे बैकग्राउंड से रिमूव कर देना है, फिर आपको वापस से जी फंड एप्लीकेशन में जाना है, फिर उससे आपको नीचे आना है, फिर उससे आप लिखा हुआ थीम डायरेक्टरी आपको उस पर टैप करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे याले फॉन्ट को डाउनलोड किया था स्नो थाले को, मैं इस पर टैप करूँगा, फिर उसका मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करूँगा, फिर मैं रीनेम पे टैप करूँगा, मैं ऐसे ऐसे पूरा कॉपी कर लूँगा। जैसे आपको ऐसे पूरा कॉपी कर लेना है, आपको भी जैसे आप कॉपी कर लेंगे फिर उसको आपको इसको ऐसे पूरा डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट कर देंगे फिर उसको आपको न्यू पे टाइप करना है, फिर आपको ऐसे कर देना है, फिर आपने जो कॉपी किया था आपको ऐसे पेस्ट कर देना है, फिर उसको आपको ओके वाले बटन पर टैप कर देना है, फिर उसको आपको वापस से जी फंड एप्लीकेशन में जाना है। फिर उसको आपको ऐसे क्या करना है, आपको नीचे आना है, फिर उसको आपको थीम लिखा हुआ है आपको उस पर टाइप करना है। दोस्तों आपको थीम एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपको फॉन्ट्स पे आना है, फिर उस आपने जो पहले फॉन्ट को ऐसे डाउनलोड किया था आपको ऐसे वापस से फिर से आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा नेम, जैसे वाले फॉन्ट था मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा, या तो दोस्तों वाले फॉन्ट था मैं इस पर टाइप करूँगा, फिर उसको मैं ऐसे डाउनलोड वाले बटन पर टाइप करके ऐसे डाउनलोड कर लूँगा। जैसे मैं फिर डाउनलोड पर टाइप करता हूँ, जैसे मैं डाउनलोड पर टाइप करूँगा, फिर उसमें लिखा हुआ डाउनलोड मैं इस पर टाइप करूँगा तो मेरे फोन में हो जाएगा डाउनलोड। फिर उसको आपको अपनी फ़ोन की होम स्क्रीन में आना है, फिर उसको आपको कहना है आपको थीम एप्लीकेशन को आप बैकग्राउंड से रिमूव नहीं करना है, आपको क्या करना है आपको जी फंड एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर उसको आपको यहाँ पे ऐड आएगा आपको ऐड को कट कर देना है, फिर उसको आपको नीचे आना है, फिर उसमें आप लिखा हुआ इंजेक्ट आपको उस पर टाइप करना है, फिर उसको आपको फर्स्ट नंबर पर इंजेक्ट लिखा आपको उस पर टाइप करना है, फिर उसको आपको गेट स्टार्टर पर टाइप करना है, फिर उसको आपको लिखा हुआ यूथ फोल्डर आपको उस पर टाइप करना है, फिर आपको अलाउ कर देना है ऐसे जैसे आप अलाउ कर देंगे, फिर उसको आपको बैक आना है, फिर उसमें सेकंड नंबर पर इंजेक्ट लिखा आपको उस पर टाइप करना है, फिर आपको गेट स्टार्टर पर टाइप करना है, फिर उसको आपको यहाँ पे यूथ फोल्डर आपको उस पर टाइप करना है, फिर आपको ऐसे अलाउ कर देना है, फिर आपको फिर उसमें लिखा रहेगा प्लीज़ वेट, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना है, दूसरा पे लिखा रहेगा सक्सेस, फिर आपको इस पर टाइप कर देना है, फिर उसको आपको लिखा है, फिर उसमें लिखा हुआ है फॉन्ट डायरेक्टरी आपको उस पर टाइप करना है,
दोस्तों आपको क्या करना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्रोत, आप जैसे आपने जो जो भी फॉन्ट को डाउनलोड किया होगा आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने वाले फॉन्ट को डाउनलोड किया था स्रोत, मैं इस पर टाइप करूँगा, ऐसे कट वाले ऑप्शन पे टाइप करूँगा, फिर मैं डिवाइस स्टोरेज पे टाइप करूँगा, फिर ऐसे मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर मैं वापस से थीम एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। दोस्तों आपको भी थीम एप्लीकेशन को ओपन करें, जैसे दोस्तों जैसे कि मैंने वाले फॉन्ट को डाउनलोड किया था, मैं ऐसे अप्लाई कर लूँगा आपने जो भी फॉन्ट। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन में आयुष इमोजी अप्लाई हुआ, जो मैंने थीम एप्लीकेशन जो फॉन्ट को अप्लाई किया था मेरे फोन में फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ है। मेरे फोन में जो आयुष इमोजी वही अप्लाई हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये आयुष इमोजी है। तो आप लोग किस तरह से अपने फोन में आयुष इमोजी को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दी कि आप लोग कैसे अपने फोन में आयुष इमोजी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे अपने फोन में फॉन्ट को अप्लाई करना है। जैसे मैं नीचे आता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने ये वाले फॉन्ट को ऐसे चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने वाले फॉन्ट को चूज़ कर लिया, फिर मैं डाउनलोड वाले बटन पर टैप करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। दोस्तों ये हो गया डाउनलोड, फिर मैं अप्लाई वाले बटन पर टैप करूँगा। दोस्तों आपको क्या करना, आपको मेथड वन और मेथड थ्री को ऐसे चूज़ नहीं करना, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम आती है। आपको क्या करना, आपको मेथड टू फाइल मैनेजर, आपको दोस्तों जैसे कि मैंने मेथड टू फाइल मैनेजर को चूज़ किया, आपको भी मेथड टू फाइल मैनेजर को ही चूज़ करना है। फिर उसको आपको ऐसे अनइंस्टॉल अपडेट पर टैप करके ऐसे फाइल मैनेजर को ऐसे अनइंस्टॉल कर देना। फिर आपको वापस से कोई और फाइल मैनेजर को इंस्टॉल करने को बोलेगा, आपको उसे इंस्टॉल कर लेना। फिर जो भी परमिशन मांगता है आपको सारी परमिशन को अलाउ कर देना। फिर उसको आपको इस पर टाइप करना है, फिर आपको फाइल मैनेजर पर टाइप करना है, फिर उसको आपको थ्री डॉट पर टाइप करना है, फिर उसको आपको सेटिंग्स पर टाइप करना है। फिर आपको ऐसे डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरी एंड फाइल आइए होगा ऑफ, आपको इसे ऑन कर लेना है। जैसे ऐसे ऑन कर लेंगे फिर आपको वापस से रिफंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर उसको आपको यहाँ पे नीचे आना है, जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे फिर उसको आपको थीम्स लिखा है आपको उस पर टाइप करना है। दोस्तों जैसे आप थीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर उसको आपको यहाँ पे फॉन्ट्स पे टाइप करना है। फिर उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्री फॉन्ट्स। दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च किया है फ्री फॉन्ट, तो मेरे सामने जो फ्री फॉन्ट आ गया, आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्री फॉन्ट, फिर आपके सामने जो फ्री फॉन्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको ऐसे कोई भी फ्री फॉन्ट को ऐसे डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैं इस पर टाइप करता हूँ वाले फॉन्ट पे। फिर उसको मैं ऐसे डाउनलोड वाले बटन पर टाइप करके ऐसे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड पर टाइप करके आपको भी ऐसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जैसे कि हो गया डाउनलोड, फिर आपको करना है आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर। दोस्तों जैसे अपने फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, फिर उसको आपको ऐसे थीम एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से रिमूव कर देना है। फिर आपको वापस से रिफंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर उसको आपको थीम डायरेक्टरी आपको उस पर टाइप करना है। दोस्तों आपने जो भी फॉन्ट को थीम एप्लीकेशन से डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने ट्रैवल फ्रीली वाले फॉन्ट को डाउनलोड किया था, यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इस पर टाइप करूँगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे टाइप करूँगा, फिर मैं रीनेम पे टाइप करूँगा, फिर मैं ऐसे पूरा ऐसे कॉपी कर लूँगा। जैसे मैंने पूरा ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, फिर उसको आपको ऐसे डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट कर देंगे फिर उसको आपको यहाँ पे न्यू पे टाइप करना है। फिर उसको आपको ऐसे न्यू फोल्डर लेकर आपको उस पर कट कर देना है। फिर आपने जो कॉपी किया था आपको पेस्ट कर देना है। फिर ओके पे टाइप करना है। दोस्तों जब ऐसे कर लेंगे फिर उसको आपको वापस से रिफंड एप्लीकेशन में आना है। फिर उसको आपको कहना है आपको यहाँ पे ऐड आएगा, आपको ऐड को यहाँ से कट कर देना। फिर उसको आपको कहना है आपको यहाँ पे नीचे आना है। फिर उसको आपको दिखा हुआ थीम्स आपको उस पर टाइप करना है। आपको यहाँ पे फॉन्ट्स पे टाइप करना है। जैसे थीम एप्लीकेशन में आएंगे आपने ऐसे फॉन्ट्स पे टाइप करेंगे। फिर उसको आपने जो पहले फॉन्ट को ऐसे डाउनलोड किया था थीम एप्लीकेशन से आपने ऐसे पेस्ट कर देना है नेम, मतलब कि आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैंने नेम का ऐसे कॉपी किया था मैं पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों जैसे कि वाला फॉन्ट है ट्रैवल फ्रीली, मैं इस पर टाइप करूंगा। फिर उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड डाले बटन में टाइप करके ऐसे वापस ऐसे डाउनलोड कर लूँगा। जैसे मैं डाउनलोड पे टाइप करता हूँ, फिर मैं डाउनलोड नाउ पे टाइप करूँगा तो मेरे फोन में ये हो जाएगा डाउनलोड। आपको भी ऐसे डाउनलोड कर लेना है आपने जो भी फॉन्ट को ऐसे डाउनलोड किया होगा पहले। फिर उसको आपको कहना है आपको अपने फोन की होम स्क्रीन में आना है। आपको ऐसे इस बार थीम एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से रिमूव नहीं करना है, आपको रिफंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर उसको आपको नीचे आना है, जैसे ऐड आएगा आपको ऐसे ऐड को कट कर देना है। फिर उसको जैसे हम नीचे आएंगे फिर आपको यहाँ पे इंजेक्ट आपको उस पर टाइप करना है। फिर उसके जो फर्स्ट नंबर पर जो इंजेक्ट है आपको उस पर टाइप। दोस्तों जैसे हम इंजेक्ट पर टाइप करेंगे आपको ऐसे यू दी फोल्डर पर टाइप करके ऐसे परमिशन को लॉक कर देना है। फिर उसको बैक आना है। फिर उसको आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर जो इंजेक्ट आपको उस पर टाइप करना है। फिर उसको आपको यहाँ पे डॉट डी डब्ल्यू डी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसको यहाँ पे सक्सेस लिख रहा है। फिर उसको यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट डायरेक्टरी, आपको उस पर टाइप करना है। दोस्तों जैसे आप फॉन्ट डायरेक्टरी पर टाइप करेंगे, आपने जो थीम एप्लीकेशन से फॉन्ट को डाउनलोड किया था यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रैवल फ्रीली वाले फॉन्ट को डाउनलोड किया था, मैं इस पर टाइप करूँगा। फिर मैं यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे टाइप करूँगा, फिर मैं डिवाइस स्टोरेज पे टाइप करूँगा, मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर मैं वापस से थीम एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। दोस्तों जैसे कि मैंने वाले फॉन्ट को यहाँ से पहले डाउनलोड किया था, मैं ऐसे अप्लाई कर दूँगा। जैसे मैं अप्लाई करूँगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मैंने थीम एप्लीकेशन जो फॉन्ट को अप्लाई किया था मेरे फोन में फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ। जो मैंने जी फोन एप्लीकेशन जो फॉन्ट को अप्लाई किया था वही फॉन्ट अप्लाई हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने वाले फॉन्ट को अपने फोन में अप्लाई किया तो मेरे फोन में अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों आप लोग को इस तरह से आपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में फॉन्ट इमोजी को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बटन में टाइप करना है आपको, मेथड वन से अप्लाई नहीं करना। अगर आप मेथड वन से अप्लाई करेंगे तो फिर आपको लॉक एंड ऐप चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। अगर आप चाहें तो मेथड थ्री से अप्लाई कर, और सो मेथड थ्री मतलब कि अप्लाई नहीं हो पाता, किसी किसी फोन में अप्लाई हो जाता है, किसी किसी फोन में मेथड थ्री से अप्लाई नहीं होता, तो फिर आपको बैक करना है। आपको मेथड टू यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड टू फाइल मैनेजर आपको उस पर टाइप करना है, और आपको मेथड टू से अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया आपको वैसी चीज़ को ऐसे फॉलो करना है और आपके फोन में फॉन्ट इमोजी अप्लाई हो जाएगा। और उसको अगर आप लोग वापस से अपने डिफॉल्ट फॉन्ट में जाना चाहते हैं तो आपको थीम एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप थीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे
फिर उसे आपको मी पे टाइप करना है। जैसे मी पे टाइप करेंगे फिर उसे आपको लोकल फॉन्ट्स आपको उस पर टाइप करना है, फिर उसे आपको डिफॉल्ट लिखा आपको उस पर टाइप करना है, फिर उसे आपको ऐसे अप्लाई वाले बटन पर टाइप कर देना है। दोस्तों जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके फ़ोन में जो डिफॉल्ट फॉन्ट था जो आपके फ़ोन में जो पहले से फॉन्ट मिलता है वो आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप मैं देख सकते हैं मेरे फ़ोन में अप्लाई हो गया है। दोस्तों मैंने आपको अपने फोन में फॉन्ट इमोजी को अप्लाई करके दिखा दिया, तो वीडियो पे ऐड करते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, दिस इज मनोज सारी गॉफ।